पता आजकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पांचवें दिन सीबीआई की पूछताछ। सोमवार को करीब 13 घंटे तक चली पूछताछ। लेडी डॉक्टर हत्या के आरोपी संजय रॉय का आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई को कोर्ट से मिली टेस्ट की इजाजत। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का किया गठन। आजकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। आजकर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच। पश्चिम बंगाल सरकार ने किया एसआईटी का गठन। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में कलाकारों ने किया विरोध प्रदर्शन। शिमला में आजकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। कलबुर्गी में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर इंसाफ की मांग। कोलकाता में महिला इंस्पेक्टर से बलात्कार और हत्या मामले पर बोली बासुरी स्वराज। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। बासुरी स्वराज ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि मार्च निकालकर वो किससे न्याय की मांग कर रही थी। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए छात्र देवराज का किया गया अंतिम संस्कार। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। छात्र देवराज के अंतिम संस्कार के चलते उदयपुर में अलर्ट पर प्रशासन। शहर के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद। इंटरनेट सेवा पर भी रोक। जेएमएम में विवाद पर बोले झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, ये उनका आंतरिक मामला। हेमंत सोरेन एक अच्छे सीएम, वो राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, बन्ना गुप्ता का बयान। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, चंपाई सोरेन की पीड़ा वाजिब है, सीएम के तौर पर उन्हें जेल निर्देश मिलता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी छोड़कर झारखंड में अस्थिरता लाना चाहती। मुंबई में आज होगा कांग्रेस का सम्मेलन। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भेजा गया नोटा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा महायुति में विवाद बढ़ेगा। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जुशान सिद्दीकी के अजित पवार के साथ जाने की अटकलें तेज। कुर्ला में लाडली बहन योजना कार्यक्रम में अजित पवार के साथ दिखे जुशान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी कर दिया अल्टीमेटम। सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे बात। मुंबई एआईएमआईएम प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए फयाज अहमद, रईस लश्करिया को दी गई जिम्मेदारी। फयाज अहमद को पद से हटाने की उनके समर्थन में नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जमकर किया बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन आज से। पहले चरण में अनंतनाग, शोपिया, किश्तवाड़ और डोडा सहित 24 सीट पर 18 सितंबर को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र। 370 और 35A की बहाली का वादा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा, ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल। जी किशन रेड्डी का बयान, बोले उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वो सत्ता में आएंगे, इसलिए अनुच्छेद 370 को वापस लाने का मुद्दा ही नहीं उठता। 23 अगस्त से 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। 24 अगस्त को नवा रायपुर में अमित शाह करेंगे बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख होंगे शामिल। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बैठक। पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक की समीक्षा की। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की परेशानी। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का नमन किया। एक्स पर पोस्ट कर दिया 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने वीरभूम में जाकर पुष्प अर्पित किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने किया हमला। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दूदू इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, हम तकनीक और ड्रोन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द खतरे और बेअसर करने की कोशिश कर रहे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ काफिले पर अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बीती रात हाईवे पर चला चेकिंग अभियान। आसपास के इलाके को भी अलर्ट पर रखा गया। लोगों की पहचान के बाद ही आने जाने का दिया गया। सूरत में एक मॉल को बिल्ली बम से उड़ाने की धमकी। उसके बाद एक्शन में आई पुलिस। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम के साथ पहुंची। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। बारामूला में बैक टू बैक भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.8 रही तीव्रता। एक और झटका महसूस किया गया बारामूला के बाद। पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई तीव्रता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का करेंगे दौरा। कीव के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्साहित। कहा, यूक्रेन के फ्लैग डे पर भारतीय पीएम का स्वागत। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर लगे की मुहर। बुरुंडी में उपराष्ट्रपति प्रोफेसर बजुमजा दिल्ली पहुंचे। 19वें सीआईआई भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली पहुंचे। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा भारत के दौरे पर। आज होने वाले इंडिया जापान 2+2 डायलॉग में होंगी शामिल।